बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। रिसाइट दुआ। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। दिस इज़ साइंस क्लास ऑफ ग्रेड टू। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हमारी बॉडी कैसे मूव करती है? किसकी हेल्प से हम मूव कर रहे हैं? स्केल्टन की हेल्प से, स्केल्टन की मदद से हम मूव करते हैं। अगर स्केल्टन ना होता तो हम मूव कर सकते थे? अगर स्केल्टन ना होता तो हम मूव कर सकते थे? नहीं। स्केल्टन की हेल्प से और क्या क्या कर रहे हैं हम? बेंड हो सकते हैं, अपराइट स्टैंड हो सकते हैं, कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में स्केल्टन प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जो एनिमल्स होते हैं, क्या उनकी बॉडी के अंदर भी स्केल्टन है? वो कैसे मूव करते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि एनिमल्स जैसे कि कैट, डॉग, गॉट, काउ, इन सब एनिमल्स के अंदर क्या स्केल्टन है? यस, जैसे कि हॉर्स है तो वो भी मूव करता है ना, तो इसकी बॉडी के अंदर भी स्केल्टन प्रेजेंट है। और स्केल्टन कैसे बनता है? All bones of our body make up our skeleton. हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। इसी तरह एनिमल्स के भी बॉडी के अंदर स्केलेटन है और इनकी भी जितनी भी बोन्स हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन। जैसे कि हॉर्स हो गया, लाइन हो गया, कैट हो गई, रैबिट, इस तमाम एनिमल्स जितने भी हैं इन सब की बॉडी के अंदर भी, जैसे ह्यूमंस का स्केलेटन है, इनकी बॉडी के अंदर भी एक स्केलेटन है जिनकी वजह से ये लोग मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हम एनिमल्स के स्केलेटन का, इनकी जो बोन्स है ना उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताएंगे कि इनकी स्कल बोन कहाँ प्रेजेंट है? स्कल बोन वैसे किसे कहते हैं? जो हेड में प्रेजेंट होती है, गुड। और स्पाइन बोन किसे कहते हैं? जो कमर में प्रेजेंट होती है, गुड। तो आप मुझे बताएं कि एनिमल्स की स्पाइन बोन और स्कल बोन कहाँ प्रेजेंट है? जैसे कि ये रैबिट है तो इसकी स्कल बोन कहाँ प्रेजेंट होगी? ह्यूमन बींग्स की कहाँ प्रेजेंट होती है? हेड में। और एनिमल्स की? उनके हेड में, गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और स्पाइन बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी तो बैक साइड पे होती है ना, इनकी कहाँ होती है? गुड, इनके हेड के पीछे यहाँ पे इनकी स्पाइन बोन प्रेजेंट होती है। चलें अब मुझे हॉर्स की देख के बताएं कि स्कल बोन कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ प्रेजेंट है, गुड। और इनकी स्पाइन बोन, स्पाइन बोन इज प्रेजेंट हेयर, गुड। और इनकी लेग बोन कहाँ पे है? इनकी लेग में, गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया है ना कि स्कल बोन, स्पाइन बोन जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वैसे ही एनिमल की बॉडी में भी बोन्स प्रेजेंट हैं, और सारी बोन्स मिलकर एक स्केलेटन बनाती हैं जिसकी वजह से एनिमल्स भी ह्यूमन बींग्स की तरह मूव कर सकते हैं, ऐसा ही है ना?
Now take out workbook. Mention date and day. Your writing should be neat and clean. Now read question 3. Identify and color the skull and spine in the given picture A and B. आपको टू पिक्चर्स गिवन है A एंड B. A हमारे पास किस चीज की पिक्चर है? हॉर्स की. और B ये किस एनिमल की पिक्चर है? रैबिट की. गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और स्कल एंड स्पाइन बोन को जो आपकी पिक्चर ए और बी में दी हुई है उनको कलर करना है. सो टेल मी वेयर इज स्कल बोन. स्कल बोन कहाँ होती है? कहाँ है? इनके हेड में. कलर इट. एंड वेयर इज स्पाइन बोन. हॉर्स की स्पाइन बोन कहाँ प्रेजेंट है? ये. गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. अब आपको ये केज सा भी नजर आ रहा है ना? इस केज को क्या कहते हैं? रेब. गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. स्पाइन बोन को भी कलर करें. जो कलर आप चाहते हैं वो कलर कर लें. सेकेंड पिक्चर जो हमारे पास गिवन है वो है रैबिट. इसका भी हमने स्कल एंड स्पाइन बोन फाइंड करनी है और कलर करना है. वेयर इज स्कल? इन हेड. स्कल कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड में प्रेजेंट होता है. एंड वेयर इज स्पाइन बोन? ये स्पाइन बोन प्रेजेंट है. गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. अब आपने बहुत प्यारे प्यारे कलर्स करने हैं और एनिमल्स के बारे में मजीद जानना है और आपके पास दारे अरकम का मैगजीन भी है जिसमें आपने डिफरेंट एनिमल्स को में की डिफरेंट बोन्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको कलर करना है. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.